जय माता दी। दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया का स्वर्ग माने जाने वाले मतलब कश्मीर के बारे में, जहां की सुंदरता देखते ही बनती है, जहां साल भर सैलानी घूमने आते हैं, जहां गर्मियों में हरियाली देखने को मिलती है तो सर्दियां आते ही पूरा कश्मीर बर्फ की चादर से ढक जाता है। बहुत से टूरिस्ट सिर्फ यहां पे स्नोफॉल का मजा लेने आते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी कश्मीर की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप कश्मीर जा सकते हैं, कश्मीर में रुकने की क्या व्यवस्था है, अगर आप कश्मीर की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कितने दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए, अगर आप पूरा कश्मीर विजिट करना चाहते हैं तो, और कश्मीर पहुंचने के बाद आपको किस लोकेशन पे नाइट स्टे करना चाहिए। कश्मीर में बहुत सारी जगह हैं जहां पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कश्मीर पहुंचने के बाद आपको कौन कौन सी जगह पे जाके विजिट कर लेना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है। और दोस्तों अगर आप स्नो के मजे लेना चाहते हैं, स्नोफॉल किस समय होता है कश्मीर में, तो इसकी भी जानकारी आज के वीडियो में मिलने वाली है। और आखिर में हम ये भी बात करेंगे कि अगर आप कश्मीर की ट्रिप प्लान करते हैं तो आपकी ट्रिप में कितना खर्च आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर कैसे जाए। तो कश्मीर की सबसे मेन लोकेशन है श्रीनगर। सबसे पहले लोग श्रीनगर पहुंचते हैं, श्रीनगर पहुंचने के बाद ही पूरा कश्मीर एक्सप्लोर करते हैं। तो श्रीनगर आप तीन तरीके से पहुंच सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बाय ट्रेन। अभी श्रीनगर तक डायरेक्ट ट्रेन किसी भी शहर से नहीं चलती, इसके लिए आपको श्रीनगर के तीन नजदीकी रेलवे स्टेशन उधमपुर, कटरा, जम्मू तवी, आप तीनों नजदीकी रेलवे स्टेशन में जा सकते हैं। यहां से आपको बस की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, टैक्सी की सुविधा उपलब्ध हो जाती है और शेयरिंग टैक्सी की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। लेकिन मैं जम्मू तवी को अपना मेन स्टेशन मान के चल रहा हूं, तो आप बाय ट्रेन जम्मू तवी स्टेशन आ जाइए और यहीं बाहर से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, जिसमें आपको 1200 रुपए के आसपास प्रति व्यक्ति के हिसाब से देना पड़ सकता है। और अगर आप बस से जाते हैं तो इसमें आपको 500 रुपए से लेकर 900 रुपए तक अलग अलग बस का चार्ज होता है। तो आप बाई बस भी जम्मू तवी से श्रीनगर तक जा सकते हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट टैक्सी करके जाना चाहते हैं, सिर्फ ड्रॉपिंग चाहते हैं कि जम्मू तवी से आपको श्रीनगर ड्रॉप कर दे टैक्सी प्राइवेट, तो इसमें आपको 3500 रुपए से लेकर 4000 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ सकता है। अगर दूरी की बात करें जम्मू तवी से श्रीनगर की दूरी कितनी, तो लगभग 268 किलोमीटर के आसपास की दूरी पड़ती है जम्मू तवी से श्रीनगर की। तो अगर आप बाई बस जाते हैं तो 6 से 7 घंटे में श्रीनगर बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके जाते हैं तो 4 से 5 घंटे में टैक्सी वाले आपको जम्मू तवी से श्रीनगर ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि हाईवे बहुत अच्छे बने हुए हैं। इसके अलावा अगर आप उधमपुर आते हैं तो उधमपुर से भी आपको बस और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। और जो भक्त कटरा माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं, तो वहां से भी बहुत से भक्त श्रीनगर की ट्रिप प्लान करते हैं, मतलब कश्मीर घूमने जाते हैं, तो कटरा से भी आपको वहां से बस की सुविधा उपलब्ध हो जाती है और यहां से प्राइवेट टैक्सी की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। तो अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, वहां से अपनी कश्मीर की ट्रिप प्लान करते हैं, तो बहुत आसानी से आप कटरा पहुंचने के बाद भी श्रीनगर के साथ साथ पूरी कश्मीर की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जम्मू से बनिहाल तक जा सकते हैं, क्योंकि बनिहाल से श्रीनगर के लिए ट्रेन चलती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत रास्ते से होकर गुजरती है। और बहुत से टूरिस्ट इस ट्रेन का लुफ्त उठाने के लिए भी बनिहाल तक बाई बस या बाई टैक्सी जाते हैं और फिर उसके बाद बनिहाल से बाई ट्रेन श्रीनगर तक जाते हैं। ये जो सफर होता है बहुत ही सुंदर होता है और हर आधे घंटे पे बनिहाल से श्रीनगर के लिए ट्रेन चलती है। लेकिन इस तरीके से अगर आप श्रीनगर जाते हैं तो उसमें आपका टाइम भी बहुत ज्यादा खराब होगा और आप परेशान भी हो जाएंगे। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप अगर जम्मू तवी आते हैं बाई ट्रेन, तो आप बाई ट्रेन जम्मू तवी आइए और सीधे यहाँ से प्राइवेट टैक्सी या बस द्वारा आप सीधे श्रीनगर चले जाइए। आपको बीच में एक बार टैक्सी चेंज करनी पड़ेगी बनिहाल तक के लिए, बनिहाल से फिर आप ट्रेन से जाएंगे। ऐसे में आप काफी परेशान हो सकते हैं। इसे सबसे अच्छा तरीका है जम्मू तवी पहुंचे, जम्मू तवी से बाई बस बाई टैक्सी आप श्रीनगर तक पहुंच जाएं। तो दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं अगर आप बाई फ्लाइट से श्रीनगर तक जाना चाहते हैं तो कैसे आएंगे। तो अगर आप बाई फ्लाइट श्रीनगर आना चाहते हैं तो श्रीनगर में ही एयरपोर्ट बना हुआ है, तो आप बाई फ्लाइट श्रीनगर तक बहुत आसानी से आ सकते हैं। अगर चार्जेस की बात करें, अगर आप दिल्ली से श्रीनगर आते हैं तो इसके लिए आपको 6000 रुपए से लेकर 7000 रुपए के आसपास की टिकट लेनी पड़ती है, अगर आप कुछ दिन पहले अपनी टिकट करा लेते हैं तो। इसके अलावा कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़ से भी बहुत सारी फ्लाइटें सीधे श्रीनगर के लिए चलती हैं, तो आप बाई फ्लाइट बहुत आसानी से श्रीनगर तक जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपनी बाइक या कार लेके आना चाहते हैं श्रीनगर तक, तो रास्ते बहुत अच्छे बने, आप अपनी कार या फिर बाइक लेके भी श्रीनगर तक आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप दिसंबर जनवरी में अपनी कार और बाइक लेके ना आए, क्योंकि इस समय यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, इस चक्कर में कई बार रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, तो आपकी ट्रिप खराब हो सकती है। इसके अलावा आप साल के 10 महीने अपनी बाइक या कार लेके बहुत आसानी से श्रीनगर तक
जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि आपको श्रीनगर तक कैसे आना है। बात करते हैं कि आपको श्रीनगर आने के बाद कहाँ पे नाइट स्टे करना चाहिए। तो दोस्तों श्रीनगर की सबसे खूबसूरत जगह है डल झील, जिसके आसपास बहुत से होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें आपको नाइट स्टे करने की सुविधा बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अगर चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 1000 रुपए से लेके 15000 रुपए तक भी रूम अवेलेबल हो जाते हैं, और अगर आप गेस्ट हाउस में लेते हैं तो यहाँ पे आपको 1500 रुपए से लेके 3000 रुपए तक देने पड़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको होम स्टे की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है, जिसमें आपको 800 रुपए से लेके 1500 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ता है। तो आप इस तरीके से डल झील के आसपास रुक सकते हैं। लेकिन डल झील की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं यहाँ पे डल झील में बने हुए बोट हाउस। तो आप बोट हाउस में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। बोट हाउस में नाइट स्टे करने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज होता है वो 2000 रुपए के आसपास शुरू होता है और फिर 15000 रुपए तक जाता है। लेकिन जब आप डल झील में बोट हाउस की बुकिंग करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डल झील में आप जब बोट हाउस तक जाते हैं उससे पहले ही अपने बोट हाउस की बुकिंग कर लेते हैं, और ऐसे में वहां पे जो एजेंट होते हैं वो आपको गलत तरीके से बताते हैं कि आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी और आपसे पे भी करा लेते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद आपको आपके बजट अनुसार सुविधाएं नहीं मिलती, जिससे आपको दिक्कत हो सकती। इसीलिए पहले आप जाके बोट देख लें आपके हिसाब से सारी सुविधाएं हो, तभी आप अपना पेमेंट करें और उसी हिसाब से अपनी बोट हाउस में रूम बुक करें। और इसके अलावा डल झील की एक फेमस चीज है शिकारा, जो एक छोटी सी नाव होती जिनकी दोनों तरफ नोक बनी होती है। इसी शिकारा से ही आपको जो बोट हाउस वाले होते हैं बोट हाउस तक लेके जाते हैं। और जब आप बोट हाउस में अपना रूम बुक करते हैं तो वहाँ पे एक चीज की और बात कर लें कि आप यहाँ पे खाने पीने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे या फिर नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब बोट हाउस पहुंच जाते हैं तो फिर आपको बाहर आने के लिए बार बार शिकारा का उपयोग लेना पड़ता है, जिसके लिए आपको 20-30 रुपए हर चक्कर के देने पड़ेंगे। तो इसीलिए आप बोट हाउस की बुकिंग करते समय काफी सावधानी बरतें, कई बार इसी चक्कर में बहुत से टूरिस्ट परेशान हो जाते हैं डल झील में। ये तो बात हो गई आप श्रीनगर पहुंचने के बाद कहां पे नाइट स्टे करेंगे। अब बात कर लेते हैं श्रीनगर पहुंचने के बाद आपको कहां कहां घूमने जाना चाहिए। अगर आप श्रीनगर 2 बजे के आसपास भी पहुंच जाते हैं तो उस दिन आप जाके श्रीनगर में कुछ साइट सीन कर सकते हैं। श्रीनगर में साइट सीन में सबसे पहले आप जाएंगे परी महल, जो कि श्रीनगर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पे है। आप यहां पे जाके काफी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आप चश्मे शाही बाग जा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, जो कि करीब 1 एकड़ में बना हुआ है, तो आप यहां भी जा सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं निषाद बाग गार्डन, जो कि यहां का सबसे खूबसूरत गार्डन है। निषाद बाग का निर्माण 1633 से 34 ईस्वी में मुगल शासकों द्वारा कराया गया था। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा गार्डन है। यह गार्डन डल झील के बिल्कुल ठीक सामने बना हुआ है। इस गार्डन से आप डल झील की खूबसूरती को भी निखार सकते हैं। इस सीढ़ीदार गार्डन में आपको एक तरफ झील तो दूसरी तरफ हिमालय की चोटियां देखना ही पड़ती। यहां पे आप बहुत ही अच्छे से अपनी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करा सकते हैं। इसके अलावा आप जा सकते हैं शंकराचार्य मंदिर, जो कि शंकराचार्य पहाड़ी पे स्थित है। यहां तक जाने के लिए आप डल झील के सामने ही आपको ऑटो की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जो 400 रुपए से लेके 500 रुपए में पूरा ऑटो बुक हो जाता है। यह आपको शंकराचार्य पहाड़ी तक लेके जाते हैं, फिर वहां पे आपको कुछ सीढ़ियां चढ़ के मंदिर तक जाना होता है, दर्शन करके फिर आप वापस आते हैं। तो यही ऑटो वाले आपको फिर जहां से आपको ऑटो मिला था यहीं पे लाके ड्रॉप कर देते हैं, तो आप शंकराचार्य मंदिर जाके भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जा सकते हैं टूलिप गार्डन। यह एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन है। इस गार्डन में करीब 1500000 से ज्यादा फूल है, जो कि नीदरलैंड से भारत में लाके लगाए गए हैं। यहाँ पे बहुत से लोग सिर्फ टूलिप गार्डन ही देखने आते हैं। इसके अलावा आप कश्मीर के लोकल मार्केट भी घूम सकते हैं, लाल चौक जा सकते हैं, यहाँ श्रीनगर की सबसे सस्ती मार्केट लगती है। तो कश्मीर पहुंचने के बाद आप थोड़ी बहुत खरीदारी भी कर सकते हैं। ये सारी साइट सीन करने में आपको 1 से 2 दिन का समय लग जाता है श्रीनगर पहुंचने के बाद। अब जिस दिन आप श्रीनगर पहुंचेंगे उसके अलावा 1 दिन का और समय लग जाएगा आपको साइट सीन करने के बाद। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि श्रीनगर पहुंचने के बाद खाने पीने की क्या व्यवस्था आपको मिलने वाली है। श्रीनगर में आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पे आपको 150 रुपए से लेकर 300 रुपए में थाल सिस्टम देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाइनीज फूड के लवर हैं तो यहाँ पे आपको मोमोज, चाउमीन वगैरह भी बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो आपको कहीं भी खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। श्रीनगर में हर जगह पे आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट और होटल देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको तीसरे दिन कहाँ पे जाना है। तो श्रीनगर पहुंचने के बाद तीसरे दिन सभी टूरिस्ट जाते हैं गुलमर्ग। तो अगर आप कश्मीर घूमने जा रहे हैं तो गुलमर्ग को अपनी ट्रिप में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि गुलमर्ग एक बहुत ही खूबसूरत जगह। यहाँ पे आपको कई तरह की स्पोर्ट एक्टिविटी और स्नो एक्टिविटी करने को मिल जाती है। गुलमर्ग आप 3 तरीके से जा सकते हैं। सबसे पहले तो आप प्राइवेट कार बुक करके ले जा सकते हैं, जो 3500 से 4000 रुपए लेते हैं। आपको लेके जाते हैं, दिन भर आपको गुलमर्ग में छोड़ देते हैं और शाम को वापस
लाके आपके रूम पे छोड़ देते हैं। इसके अलावा अगर आप शेयरिंग में जाना चाहते हैं तो आप शेयरिंग टैक्सी से भी जा सकते हैं। इसमें आपको 500 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा श्रीनगर से कई सारी बसें भी जाती हैं गुलमर्ग तक, तो आप श्रीनगर से गुलमर्ग तक बाई बस भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको 100 रुपए से लेकर 120 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। तो अभी हम लोग गुलमर्ग पहुंच चुके हैं। अब गुलमर्ग में आप कई तरीके स्पोर्ट एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके अलावा गुलमर्ग पहुंचने के बाद आपको यहां पे गुलमर्ग गंडोला राइड भी करनी चाहिए, जो यहां की सबसे ही फेमस राइड है, जिसे कि रोपवे भी बोलते हैं, जो कि दो फेज में चलाई जाती। पहला फेज होता है गुलमर्ग से कांगडोर तक ले, दूसरा फेज होता है कांगडोर से हाईएस्ट पीक। ये इसलिए है क्योंकि जब यहां पे बहुत ज्यादा स्नो गिर जाती है जैसे दिसंबर जनवरी में, तो यहां पे सिर्फ पहले फेज तक ही आपको रोपवे की सुविधा उपलब्ध होती है। और इसके अलावा अगर आप फरवरी से नवंबर तक के बीच में आते हैं तो दोनों फेज की राइड आपको उपलब्ध हो जाती है। अब दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं कि आपको गंडोला राइड के लिए कितना चार्ज देना पड़ता है। इसके लिए अगर आप फर्स्ट फेज तक जाते हैं तो इसके लिए आपको करीब 750 रुपए के आसपास का टोकन लेना पड़ता है। और इसके अलावा अगर आप दूसरे फेज तक भी जाते हैं तो अलग से आपको 950 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ता है। अगर आप एक साथ दोनों राइड की टिकट बुक करते हैं तो इसके लिए आपको 1690 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ता है। लेकिन आप सबसे पहले अपनी फर्स्ट फेज की ही राइड बुक करें, उसके बाद ही दूसरे की बुक करें। एक साथ बुक करने में कई बार होता है फर्स्ट फेज पे जाते हैं बहुत अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं, फिर आपको आगे जाने का मन ही नहीं करता, आप वहीं से वापस आ जाते हैं। इसलिए पहले फेज की आप जब अपनी पूरी राइड पूरी कर लें, अच्छे से एंजॉय कर लें, तभी आप सेकंड फेज की राइड की बुकिंग करें। जब आप फर्स्ट फेज पे पहुंचते हैं तो वहां पे बुकिंग काउंटर बना हुआ है, जहां से आप दूसरे फेज तक के लिए अपनी बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन टिकट की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप गुलमर्ग गंडोला.com पे जाके इसकी बुकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे भी एक ही चीज लागू होती है कि आपको सबसे पहले फर्स्ट फेज की राइड बुक करनी, जब पहले की बुक हो जाए तब दूसरे की करनी है। तो आप गुलमर्ग जाइए, अच्छे से एंजॉय करें। यहाँ पे तरह तरह की स्पोर्ट एक्टिविटी होती है, शिकिंग होती है, राइडिंग होती है, टायर राइड होती है, आप सब कुछ करिए और बहुत अच्छे से एंजॉय करके। अगर आप गुलमर्ग में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नाइट स्टे करने की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है, जिसमें आपको थोड़ा सा महंगे रूम देखने को मिलते हैं, मतलब 2000 रुपए से 5000 रुपए के आसपास आपको गुलमर्ग में रूम मिल जाता है। तो अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं तो आप नाइट स्टे कर लीजिए गुलमर्ग में, और नाइट स्टे नहीं करना चाहते तो वापस श्रीनगर आ जाइए। इसके बाद अगर आपके पास चौथे दिन भी श्रीनगर में रुकने का टाइम है तो आप जा सकते हैं सोनमर्ग। सोनमर्ग श्रीनगर से करीब 80 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ भी अगर आप गर्मियों जाते हैं तो आपको हरे भरे मैदान देखने को मिलते हैं, और अगर आप सर्दियों में जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको कई प्रकार की स्पोर्ट एक्टिविटी और स्नो स्पोर्ट एक्टिविटी करने को मिल जाती है। सोनमर्ग एक बहुत ही बड़ा मैदान बना हुआ है, जहाँ पे आपको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। सोनमर्ग में भी आपको रुकने के लिए सारी सुविधाएं मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक में रूम अवेलेबल हो जाता है। तो आप सोनमर्ग भी जा सकते हैं। सोनमर्ग एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, और बहुत से लोग सोनमर्ग पहुंचने के बाद जिजोला पास तक भी जाते हैं, जो श्रीनगर के बाद सबसे हाईएस्ट पास पड़ता है। तो दोस्तों इसके अलावा आप कश्मीर में और सारी जगह भी जा सकते हैं, जैसे पहलगाम जा सकते हैं अगर आपके पास और एक्स्ट्रा दिन का समय है तो। अब बात कर लेते हैं आपको श्रीनगर पहुंचने के बाद कितने दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप गुलमर्ग घूमते हैं, सोनमर्ग घूमते हैं और पूरा श्रीनगर साइट सीन करते हैं तो आपको 3 से 4 नाइट का स्टे बनाना चाहिए। आप 3 से 4 नाइट का स्टे बना के श्रीनगर में बहुत आसानी से पूरा कश्मीर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको कश्मीर विजिट करने कब जाना चाहिए। तो वैसे तो कश्मीर में सबसे ज्यादा भीड़ होती है जून जुलाई के महीने में, क्योंकि जब सब जगह गर्मी पड़ रही होती है तो कश्मीर का मौसम बहुत ही शानदार और ठंडा होता है, तब सभी जितने भी टूरिस्ट होते हैं वो कश्मीर विजिट करने जाते हैं। इसके अलावा अगर आप स्नो लवर हैं, आपको बर्फबारी देखनी, तो फिर आपको दिसंबर जनवरी के बीच में श्रीनगर की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। श्रीनगर की ट्रिप आप साल में कभी प्लान कर सकते हैं, हर हाल में आपको आनंद आने वाला है। बस अगर आप अक्टूबर से फरवरी के बीच में जाएंगे तो आपको स्नो मिलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि श्रीनगर की ट्रिप में, कश्मीर की ट्रिप में आपका कितना खर्च आने वाला है। तो अगर आप 4 लोग ग्रुप में जा रहे हैं, अगर आप सिर्फ कश्मीर पहुंचने के बाद श्रीनगर की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, मतलब 2 दिन में सिर्फ श्रीनगर साइट सीन करके वापस आते हैं, तो इसमें आपको 3500 रुपए से लेकर 5000 रुपए के आसपास का खर्च आने वाला है, अगर आप ग्रुप में है तो। क्योंकि जब आप ग्रुप में होते हैं तो रूम का खर्च आपका कम हो जाता है, कन्वेंस का खर्च कम हो जाता है, और अगर आप अकेले हैं तो इसमें आपको 7 से 8000 रुपए के आसपास का खर्च आने वाला है। और अगर आप कश्मीर पहुंचने के बाद गुलमर्ग सोनमर्ग पूरा कश्मीर एक्सप्लोर करते हैं तो इसमें प्रति व्यक्ति के हिसाब से 9000 रुपए से लेकर 10000 रुपए के आसपास का खर्च आने वाला है, क्योंकि कश्मीर थोड़ा सा महंगा है और कभी कभी भीड़ ज्यादा हो जाने के बाद ये जो चार्जेस हैं ये और भी ज्यादा हो जाते हैं। तो आप अपने अनुसार अपना बजट प्लान करके ही कश्मीर की ट्रिप प्लान करिए। और दोस्तों अगर आप कश्मीर की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आपका कोई सवाल है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। आई होप कि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।